बाड़मेर में ट्रेलर और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, तो वहीं 6 घायलों का सिंधरी CHC में इलाज चल रहा है। सिंधरी क्षेत्र के भूखा भगत सिंह हाईवे की ये पूरी घटना है। हादसे के बाद हाईवे पर भारी जाम लगा है। सिंधरी थाना पुलिस मौके पर जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है। वेस्ट इंडिया ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहा है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा हादसा। आपको बता दें कि बाड़मेर में ट्रेलर और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत की वजह से, सड़क हादसे की वजह से 4 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 6 घायलों का सिंधरी CHC में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जो 6 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं उनका सिंधरी CHC में इलाज चल रहा है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या घायलों का पता लग पाया कि उनकी स्थिति कैसी है और मृतक कहाँ के हैं? देखिए, हादसा सिंधरी के पास भूंपा भगत सिंह जो गांव है, हाईवे है, वहां पर हुआ है। एक ट्रक और बोलेरो के बीच में हादसा हुआ, जहां पर 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जो दोनों पुरुष थे। और उसके बाद करीब 0.5 दर्जन लोग जो है वो घायल हो गए थे, जिन्हें सिंधरी CHC में भर्ती करवाया था। वहां पर अभी ये खबर सामने आ रही है कि वहां 2 महिलाओं की भी मौत हो चुकी है, यानी कि पूरे मामले में 4 लोगों, घटनाक्रम में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 महिलाओं सहित। और जो अन्य घायल है उनका उपचार चल रहा है। और जो हाईवे है जहाँ घटनाक्रम हुआ है, हाईवे पूरा जाम हो चुका है। पुलिस वहाँ पहुंची है, पहले हाईवे को जाम खुलवाने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है पुलिस द्वारा। और DYSP बालोतरा है, वो भी वहाँ पहुंचे हैं। सिंधरी पुलिस मौके पर है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सदस्य है, बोलेरो में सवार होकर कहीं जा रहे थे, सामने ट्रक आ रहा था, उससे वो ट्रक। जी अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।